हमने खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं के एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग आ गए का कैसन है बढ़िया से है ना। एक गाना सुना दे आपको। कोरा कागज था ये मन मेरा तूने लिख दिया। हमको नहीं आता है उसकी जगह दूसरा गा देते हैं। कौन सा था? रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। ये गाना है राजेश खन्ना जी और शर्मिला टैगोर जी का ना। तो शर्मिला टैगोर जी ना राजेश खन्ना के लिए कछु कही हैं। का कही हैं और का है ना पूरी खबर, चलिए आपको दिखाते हैं। राजेश खन्ना की सेट पर देर से आने की आदत का असर पड़ता था शर्मिला टैगोर पर। कहा इसलिए मैंने दूसरे एक्टर्स के साथ काम करने का फैसला किया। जी हाँ, अभिनेता राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में कर चुकी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने खुलासा किया है कि वह दिवंगत अभिनेता के बारे में उन्हें एक बात पसंद नहीं थी। शर्मिला ने कहा कि जब वे सुबह 9 बजे फिल्म की शूटिंग करते थे तो काका दोपहर 12 बजे पहुंच जाते थे। उन्होंने कहा कि राजेश के इस रवैये ने उन्हें अन्य एक्टर्स के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। राजेश खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अविश्वसनीय यात्रा के साथ 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में लगातार सुपरहिट्स थी। उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में सुपरस्टार कहे जाने वाले कुछ एक्टर्स में से एक माना जाता है। साल 2011 में राजेश को आंतों के कैंसर के दुर्लभ रूप का पता चला। इसके अगले साल 18 जुलाई को उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके बारे में बात करते हुए शर्मिला टैगोर ने याद किया और कहा, एक बात जो मुझे राजेश खन्ना के बारे में सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी वह थी शूटिंग के लिए बहुत देर से आना। सुबह 9 बजे के शिफ्ट के लिए काका दोपहर 12 बजे से पहले कभी नहीं पहुंचते थे। इसलिए मैंने यह जानने के बाद भी अन्य एक्टर्स के साथ काम करने का फैसला किया कि हमारी ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी सफल रही और दर्शकों को पसंद आई। शर्मिला ने ये भी बताया कि कैसे राजेश खन्ना कॉम्प्लेक्सिटी से भरे आदमी थे। उन्होंने बताया कि कैसे वह को एक्टर्स कॉलीग्स और फ्रेंड्स को महंगे गिफ्ट देते थे। कभी कभी काका उनके लिए घर भी खरीद लेते थे, लेकिन बदले में ऐसा लगता है कि काका को उनसे बहुत उम्मीदें थी। जी हाँ, शर्मिला ने कहा कि जिसके अंत स्वरूप उनके संबंधों को तनावपूर्ण वह बना देता था। शर्मिला और राजेश 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ों में से एक थे। उन्होंने आराधना, सफर, अमर प्रेम, आविष्कार, दागे पोयम ऑफ लव, त्याग और राजा रानी जैसी कई फिल्मों में साथ में काम किया। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। दर्शकों, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खबर में तो इतना ही। दर्शकों, आपको ये खबर कैसी लगी? तो हाल ही में हो ना इंटरव्यू जो हुआ था ना, वो मैं शर्मिला जी से पूछा गया ना, तो राजेश खन्ना जी के बारे में ये बात कही पर उनकी जोड़ी हमको तो बहुत ही पसंद थी साथ में। अब फिलहाल ये खबर में तो बस इतना ही। अब जाते हैं, लेकर आते हैं नई खबर। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा आंटी के साथ। जयराम जी की। दर्शकों,